26 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता सर्वसमावेशी बजट पेपरलेस बजट पेश कर नया इतिहास रचने पर सीएम योगी ने दी वित्त मंत्री की टीम को बधाई। कहा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करेगा राज्य सरकार का बजट। हर घर को नल, हर घर में बिजली, हर खेत को पानी और हर हाथ को मिलेगा काम, हर गाँव होगा डिजिटल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन ने कहा, बढ़ रही है साइबर क्राइम की घटनाएं, लोगों से की अपील। कहा, अनजान नंबर के कॉल से करे परहेज, मत दे किसी को पर्सनल जानकारी, बचे साइबर क्राइम से। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के प्रभारी अधिकारियों की बैठक। निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को बांटी जिम्मेदारी। कहा, आपसी सामंजस्य बैठाकर शांतिपूर्वक संपन्न कराएं पंचायत चुनाव। महापौर सीताराम जायसवाल ने पेश किया नगर निगम का पहला पेपरलेस बजट। पारित किया 417,63,60,000 रुपए वार्डों के विकास के लिए। सभी पार्षदों व मनोनीत पार्षदों को 30-30 लाख दिए जाने का प्रस्ताव भी पारित। रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वितीय वाहिनी परिसर में एक चैलेंज क्षमता का एडवांस वेपन ट्रेनिंग सिम्युलेटर का महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, एडवांस वेपन ट्रेनिंग सिम्युलेटर से आधुनिक हथियारों के हैंडलिंग व प्रशिक्षण में रेलवे सुरक्षा बल के जवान होंगे प्रशिक्षित। यूपी के बजट पर बोले जनप्रतिनिधि। कहा, सराहनीय है यूपी का बजट, प्रदेश और प्रदेशवासियों का होगा चतुर्दिक संपूर्ण विकास, रोजगार के खुलेंगे रास्ते। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम के अंतर्गत जिला सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक। संबंधित अधिकारी के अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी अब तक की कार्रवाई की समीक्षा। कोविड टीकाकरण के तहत बचे हुए फ्रंटलाइन वर्करों का मॉप अप राउंड सकुशल हुआ संपन्न। 3,267 की जगह 3,467 ने लगवाया कोविड का टीका। 107% हुआ फ्रंटलाइन वर्करों का टीकाकरण। पुलिस कर्मियों और सफाई कर्मियों में दिखा खासा उत्साह। गोरखपुर विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शिक्षक शिक्षा में क्रियान्वयन, पाठ्यचर्या प्रारूप एवं विकास के विशेष संदर्भ में विषयक संगोष्ठी का किया गया आयोजन। विभिन्न विषयों पर डाला गया प्रकाश। गोरखपुर में सोमवार को मिला मात्र एक नया कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,457। अब तक 365 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 34 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। ऊर्जा निगमों में कार्यरत यांत्रिक संवर्ग के टेक्नीशियन कार्मिकों की लंबित मांगों को लेकर विद्युत कर्मियों ने मोहद्दीपुर स्थित मुख्य महाप्रबंधक विद्युत के कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। और सेंट्रल ड्यूज कॉलेज के अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरुष एवं महिला वर्ग का किया गया आयोजन। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जे के लाल ने रिबन काटकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर वॉलीबॉल मैच का किया शुभारंभ।